कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। समय सार परम अध्यात्म ग्रंथ है। आचार्य भगवत कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है। ऐसा मंगल महोत्सव पंच कल्याणक का, जिसे सम्यक दर्शन का साक्षात निमित्त कहा, क्या होता होगा जिसके कारण इसको साक्षात निमित्त कहने में आया है। कि जिसको सम्यक दर्शन होता होगा उसकी परिणति कैसी होगी, ये तो निमित्त है हुआ, लेकिन जिसको सम्यक दर्शन होगा वो जीव की पात्रता क्या होगी, प्रश्न ये है। क्योंकि निमित्त तो यहाँ मौजूद है, 1008 शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक महामहोत्सव है, तो ये तो मौजूद है। तो प्रश्न ये है कि इस निमित्त योग में मेरे को सम्यक होगा तो मेरी परिणति क्या होनी चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन तो परिणति में होना है। तो परिणति में सम्यक दर्शन नहीं है और सम्यक दर्शन का उत्पाद होगा तो वो कैसे हो जाएगा, ये तो निमित्त है। तो कैसे होगा, किसके आश्रय से होगा, क्या करके होगा, क्या परिणति अंदर में विचार कर रही होगी, क्या उसका ज्ञान में उपयोग में क्या चल रहा होगा, किसके संबंध का चल रहा होगा, ये तो निमित्त है। लेकिन इस बाजू से उस बाजू क्या हो रहा होगा, चर्चा उसकी है। इस बाजू तो सब कुछ विद्यमान है, लेकिन उस बाजू क्या हो रहा होगा वो मुझे अपना देखना है। कि मेरे को इस अवसर में 17 मई सन 2015 से 22 मई 2015 इस अवसर पर मेरी परिणति में क्या होगा, क्या मेरे को होना है, क्या मेरे को पुरुषार्थ करना चाहिए, और जिन जिन को सम्यक दर्शन हुआ है वो उसी विधि से हुआ है, क्योंकि कोई दूसरी विधि है ही नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं है। वो बात आचार्य देव ने इस समय सार के 6 नंबर के कलश में कही है। 6 नंबर के कलश का जो हेडिंग है वो निश्चय सम्यक्त का स्वरूप क्या है, वो इसका हेडिंग है। ये एक विकल्प हुआ मेरे को कि इस अवसर में मेरे को अपने लिए क्या लेना मेरे को होगा, प्रश्न ये है। क्योंकि आपका होगा वो आपके उपादान से होगा, लेकिन यहां तो मेरी बात है। तो मेरी बात में निश्चय सम्यक्त का स्वरूप ऐसा 6 नंबर के कलश में कहा है, तो निश्चय सम्यक्त का क्या स्वरूप है, माने निश्चय सम्यक्त कैसे होता है, वो बात यहां पर चलती है। छह नंबर का कलश है,
एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदसात्मना पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमय द्रव्यांतरेभ्य पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमात् आत्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वानव तत्व संतति इमं आत्मा अयम् एकस्तु न। क्या कहते हैं? देखो कलश, कलश रचने की क्या है, जैसा अंतर से परिणाम आता है ना ऐसे होता है, ऐसा। तो चौथी पंक्ति में आचार्य देव ने कहा तन मुक्त्वा नव तत्व संतति इमं आत्मा अयम् एकस्तु न। हमको तो यह एक आत्मा हो निश्चय सम्यक दर्शन की बात चलती है। क्या हमको हो कि एक शुद्ध आत्मा, एक चेतनमयी अखंड भगवान आत्मा, यह हमको हो और क्या ना हो? तो कहा तत् मुक्त्वा नव तत्व संतति। ये नव तत्व की जो संतति है माने परिपाटी है, इससे हमारी मुक्ति हो। तो नव तत्व की संतति से मुक्ति हो का क्या अर्थ है कि जो उपयोग इस नौ तत्व रूप पर्याय पर वहां मेरा जाता है, उसका विचार में रुका हुआ है, वहां से मेरी मुक्ति हो और मेरे को ये एक शुद्धात्मा हो। ये यहां पर चौथी पंक्ति का अंतिम है, अंतिम बात आचार्य देव ने कही क्या हो और क्या ना हो। ना हो में नव तत्व की संतति ना हो और एक भगवान आत्मा मेरे को हो, तो क्या ये नव तत्व की संतति माने नव तत्व रूपता या कि पर्याय रूपता ये नहीं है क्या कि है? जैसे हमारा जोर सबसे पहले इस बात पर जाता है कि क्या नव तत्व रूप पर्याय रूपता इसको नहीं है क्या, नहीं है क्या, इस पर हमारा जोर जाता है। तो आचार्य देव कहते हैं है, अगर नहीं होती तो उस पर से उपयोग को उठाने की बात ही क्यों कही जाती। परद्रव्य से लक्ष्य हटाओ, तो परद्रव्य से लक्ष्य हटाओ का अर्थ क्या आया कि परद्रव्य है या नहीं? कि परद्रव्य अगर होता ही नहीं तो उससे लक्ष्य हटाने की बात ही नहीं होती ना। इसी प्रकार पर्याय रूपता है या नहीं कि हां हां है, जैसा तेरा जोर नव रूप पर्याय में उसकी अस्थि में जाता है, ऐसा तेरे को यूं क्यों नहीं आता कि क्या एक रूप भगवान आत्मा नहीं है क्या? दो पक्ष हैं वस्तु के, एक है वस्तु का द्रव्य पक्ष और एक है वस्तु का पर्याय पक्ष। जब जब चर्चा चलेगी कि नव तत्व से मुक्ति हो, तन मुक्त्वा उससे मेरी मुक्ति हो, मेरा जो उपयोग जो पर्याय उसके जानने में जाता है तो उससे मेरी मुक्ति हो, तो तू पर्याय से मुक्ति चाहता है या पर्याय में तेरा उपयोग वहां जानने में रुका हुआ है उससे मुक्ति चाहता है? पॉइंट समझ में आया? चाहता मैं क्या हूं कि पर्याय पर्याय के ठिकाने रहे,
वो तो जो क्रमसर होना है पर्याय में अपनी सटकारक योग्यता से वो होएगा, लेकिन तेरा जोर जब तन्मुक्त्वा नवतत्व संतति ये तू पढ़ता है तो नवतत्व की संतति नहीं है क्या, ये तेरा जोर जाता है तो आचार्य देव कहते हैं कि है, लेकिन हमको तो ये एक द्रव्य स्वरूप भगवान आत्मा हो, हमारी दृष्टि हमारा उपयोग हमारा लक्ष्य हमारी एकाग्रता तो इस द्रव्य स्वभाव पर हो। तो फिर पर्याय का क्या हुआ कि पर्याय का क्या हुआ साहब, फिर उसका अटक जाता है पर्याय पर अटक जाता है कि फिर पर्याय का क्या हुआ। अरे भाई जब ये कहा कि हमको ये एक शुद्धात्मा हो तो ये कहा किसने, ये जोर किस में आया शुद्धात्मा का, अरे ये जोर तो पर्याय में ही आया है शुद्धात्मा का, लेकिन पर्याय में पर्याय के प्रति का जोर नहीं आया, पर्याय में जोर द्रव्य ज्ञायक का है। हमको तो ये हो, अभी जब इसका भावार्थ हम देखेंगे तो उसमें तो आचार्य देव ने भावार्थकार ने जयचंडी सावड़ा जी ने गजब गजब लिखा है उसके अंदर, तो अभी उसे पढ़ेंगे हम देखेंगे क्या कहते हैं। दो पक्ष आपकी समझ में आए, ज्ञान है ना एक समय का ज्ञान, एक समय का ज्ञान एक बाजू वस्तु की पर्याय विभाग है पक्ष है और एक बाजू वस्तु का द्रव्य है, द्रव्य स्वभाव द्रव्य पक्ष है यहां पर। तो तेरे को क्या चाहिए, पर्याय चाहिए कि द्रव्य चाहिए, तू कहां टिकना चाहता है, जो अनादि निधन है वहां उस पर तू बैठना चाहता है या कि तू पर्याय में बैठना चाहता है। तेरे को पर्याय का स्वरूप नहीं खबर, भले वो निर्मल पर्याय हो, अभी वो आगे के कलश की बात है, लेकिन यहां भले निर्मल पर्याय हो तो तू निर्मल पर्याय में भी यदि बैठेगा तो एक समय पर बैठेगा तो वो तो एक समय की मुद्दत की होने से दूसरे समय पर तो तू लुढ़क ही जाएगा ना, तेरा क्या होगा, तुझे कहां बैठना कि मेरे को वहां बैठना कि जो अचल है वहां बैठना मेरे को, कि वहां क्यों बैठना चाहते हो कि वहां बैठने का नाम ही दरअसल में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। ये तो क्या है, जब जैसे रेगुलर शास्त्र स्वाध्याय चलते हैं ना तो उसमें वो विषय विशेष खुल पाता है क्या है, लेकिन यहां थोड़ा समझना। अभी थोड़ा चौथी पंक्ति से बात उठाई है, अब देखें क्या कहते हैं। यहां देखिए, यहां पर लिखा है इस आत्मा को, श्लोकार्थ लेते हैं यहां पर, इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, देखना माने श्रद्धान करना, माने सीधा सा पहला स्टेप क्या आया, निश्चय सम्यक्त के स्वरूप की इस कलश में चर्चा करते हुए आचार्य देव ने कहा कि इस आत्मा को देखना, ये वाली बात सबसे पहले कही, अस्य आत्मनः दर्शनम, लेकिन दर्शनम कैसा, देखना देखना किसको, अस्य आत्मनः इस आत्मा को देखना, इस आत्मा को देखना, इस आत्मा को देखना, लेकिन साथ में एक और उन्होंने लिखा, यद यह द्रव्यांतरेभ्य पृथक, अन्य द्रव्यों से पृथक देखना। आत्मा को तो किसे देखना, किसको, आत्मा को, लेकिन आत्मा को देखना तो देखने में कला क्या है कि अन्य द्रव्यों से पृथक देखना। तो अन्य द्रव्यों से पृथक देखने का अर्थ क्या हुआ कि आत्मा अन्य द्रव्य रूप नहीं है, पृथक देखना
माने भिन्न देखना। किससे भिन्न देखना? अन्य द्रव्यों से। तो आत्मा को आत्मा से देखना, आत्मा को अन्य द्रव्य से देखना, तो नीचे लिखो कि पृथक देखना, भिन्न देखना। अब आत्मा को आत्मा से देखना तो नीचे लिखो अभिन्न देखना। समझ में आया? देखना किसको? आत्मा को देखना। तो ये एक क्या चल रहा है विषय? क्या चल रहा है? कहां से उठा है विषय? ये जो पंचकल्याणक है ये साक्षात सम्यक दर्शन का निमित्त है। अब हम यहां पर सुन रहे हैं, हम सुनेंगे, विस्तार में खो जाएंगे, लेकिन विषय गुम नहीं होना चाहिए विस्तार में। विषय है आत्मा का दर्शन, आत्मा का श्रद्धान, वो होना, वो करना है हमको यहां पर। अन्य द्रव्य से देखना बराबर हो गया। तो आत्मा को अन्य द्रव्य से देखना, ये क्या हुआ? आत्मा को देखना तो अन्य द्रव्य से देखना। जैसे मुझे नीलेश भाई को देखना है तो नीलेश भाई को मैं नवीन भाई की ओर से देख सकता हूं क्या? आपकी पॉइंट पकड़ में आया? नवीन भाई जो है वो अन्य द्रव्य है और नीलेश भाई मानो वो स्वद्रव्य आत्मा है। तो आत्मा को देखना तो नीलेश भाई अपनी आत्मा को नवीन भाई की आत्मा की ओर से देखे कि नहीं नहीं वो तो कहा उससे भिन्न देखना, वहां मैं नहीं हूं, वहां मेरी सत्ता है ही नहीं। ये तो परद्रव्य की ओर से ज्ञान कराया कि पृथक देखना, तो इधर से परद्रव्य की ओर से कहा कि भिन्न देखना। लेकिन देखना किसको? परद्रव्य को कि आत्मा को? परद्रव्य को देखने की तो बात ही नहीं कही है, परद्रव्य से भिन्न देखने की बात कही है। तो देखना किसको? माने देखना आत्मा को। पॉइंट समझ में आया आपको? तो समझने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन यदि प्रकट करना है तो यह समझना ही पड़ेगा कि कैसे है वो। देखो मैं एक अंक लिखता हूं, एक होते हैं ना, तो दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और शून्य बराबर है। अब मैं आपसे कहूं कि आपको ये इधर लिखा हुआ एक दो तीन ऐसे करके सीले लिखा, आप इस एक अंक को देखना, बनाओ उपयोग को कंसंट्रेट करो, इस एक अंक को देखना तो जो अन्य अंक हैं उनसे पृथक देखना, तो अन्य अंक को देखने की बात नहीं है। दरअसल में देखना तो इसी को है, इससे अन्य देखना है और इसको इससे अनन्य देखना है, अभिन्न देखना है। जब ऐसी चर्चा चलती है कि अन्य द्रव्य से पृथक देखना है तो यह किसे देखने लग जाएगा? अन्य द्रव्यों को देखने लग जाएगा। मुझे अन्य द्रव्यों से आत्मा को पृथक देखना है। अरे अन्य द्रव्यों से आत्मा में पृथकता तो अनादि की है, लेकिन तू अपने आत्मद्रव्य को इन पर्यायों रूप देखता है। पॉइंट समझ में आया? अन्य द्रव्य यहां क्या? नव तत्व रूपता जो है यह अन्य द्रव्य रूपता है। जब जब इस भगवान आत्मा को ये देखने की जब बात यहां से पढ़ता है और पढ़ करके क्या करता है कि मेरे को अपने आत्मा को देखना है, तो अपनी आत्मा को अन्य द्रव्यों से प्रसन्न भाई क्या देखना है? पृथक देखना है। तो कहां देखने लग जाएगा? अन्य द्रव्यों को देखने लग जाता है, लेकिन अन्य द्रव्यों से पृथकता तो
आत्मा में अनादि से है, तो फिर ऐसा कहा क्यों? क्योंकि तू आत्मा में अन्य द्रव्य रूपता को स्थापित करता है, इसलिए कहा कि वहां अन्य द्रव्य पना आत्मा में है ही नहीं, तेरे आत्मा में तेरा ही द्रव्य है, भरचक सुख शांति और आनंद और चेतना से भरा पड़ा हुआ है। उसे देखना, अन्य द्रव्य से पृथक देखने में भी आत्मा को देखना है और आत्मा के देखने में भी आत्मा को देखना, दोनों को देखना, क्योंकि आत्मा में आत्मपने की मन द्रव्य रूपता की अस्ति है और उसी में पर्याय रूपता की नास्ती है। समझ में आया? जिस आत्मा को देखने से सम्यक दर्शन होता है, जिस आत्मा के जानने से सम्यक ज्ञान होता है, जिस आत्मा में रमण करने से सम्यक चारित्र होता है, उस आत्मा को यहां पर आचार्य देव दिखाना चाहते हैं। और वो ये सबसे पहले कह रहे हैं कि तू अन्य द्रव्य से इस आत्मा को एकत्व करके देखता है, या कि अन्य द्रव्य रूप तू अनुभवता है, ये अनुभव तेरा मिथ्यात्व है। आत्मा को आत्मरूप ही, द्रव्य रूप, त्रिकाली रूप, अभेद रूप, अखंड रूप ऐसा अनुभवना, इसका नाम दरअसल में सम्यक दर्शन है। आत्मा को पर्याय रूप अनुभवना, अरे क्षयोपशम ज्ञान रूप अनुभवना, ग्यारह अंग नौ पूर्व वाला ज्ञान के क्षयोपशम रूप अनुभवना, या कि कसाई की मंदता शुक्ल लेश्या वाले परिणाम रूप अनुभवना, ये मिथ्यात्व है। अरे निर्मल पर्याय रूप शुद्धात्मा को अनुभवना, इसका नाम भी मिथ्यात्व, क्योंकि उस भगवान आत्मा में भगवान आत्मा को पर्याय रूपता है ही नहीं, वो द्रव्य रूप है, एक रूप है, अनादि अनंत रूप है, शाश्वत रूप है, सुख स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ऐसा मैं हूं, मैं। ये देखना पहले, हाँ? तब ये साक्षात निमित्त बनेगा भैया, ऐसा देखना। पहला बोल आगे कहा इन्होंने, नीलेश भाई देखो गजब है, ये तो क्या है, ये जब ऐसा मेघ घुमड़ते हैं ना, मेघ माने बादल, जब गरजते हैं घुमड़ते हैं तो जो मोर, उसका मोर होता है ना, उसका मन मयूर, उसका झूम उठता है, नाच उठता है। अरे ये पंचकल्याणक के प्रसंग ऐसे हैं जिसमें भव्य जीव का मन मयूर नाच उठता है, ये साधारण प्रसंग नहीं है। हम और आपको शायद ये बहुमान ही नहीं आता हो कि क्या हमारे जीवन में सन 2015 की इस मांगलिक वेला में, और वो भी अंधेरी वेस्ट में, ऐसा मंगल अवसर आया। ये मंगल अवसर यूं ही नहीं आया है, आया तो महाभाग्य से है, लेकिन इस महाभाग्य का तूने यदि साक्षात सम्यक दर्शन प्रकट करने के पुरुषार्थ में उपयोग नहीं किया, यहां नहीं लगाया, ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, तो तूने चिंता मणि रत्न पाकर के समुद्र में डाल देने जैसा है। इसी बात है, आचार्य देव ने इस कलश में कहा, क्या कहा? अस्य आत्मनः यदि ये द्रव्यांतरेभ्य पृथक दर्शनम एतत् एव नियमात् सम्यक दर्शनम, यह ही नियम से सम्यक दर्शन है। यही शब्द डाला, यही नियम से सम्यक दर्शन है,
और कोई सम्यक दर्शन नहीं है। यही नियम से सम्यक दर्शन है। कैसा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा हुआ है महात्मा साहब। स्वपर का श्रद्धान को सम्यक दर्शन लिखा हुआ है, ऐसा आया ना है? अरे भाई वहां एक वचन में बात करी है, वहां शुद्धात्मा की बात है भाई, तुझे खबर नहीं। टोडरमल जी ने नौवें अधिकार में चारों ही का लेकर के लक्षण तत्वार्थ सिद्धांत डाला है, लेकिन वो एक वचन की बात है, शुद्धात्मा की बात ऐसा। इसमें लिखा क्या नहीं, एतत एव एव माने ही यही नियमात नियम से सम्यक दर्शनम सम्यक दर्शन है। क्या सम्यक दर्शन है? नियम से क्या सम्यक दर्शन है? जिसके बिना सम्यक दर्शन नहीं है, कि देखने के बिना श्रद्धा करने के बिना सम्यक दर्शन नहीं है, कि किसे देखने के बिना सम्यक दर्शन नहीं है, किसे देखने के बिना सम्यक दर्शन नहीं है, कि अन्य द्रव्यों को देखने के बिना सम्यक दर्शन नहीं है, पर्यायों को देखने के बिना सम्यक दर्शन नहीं है। अरे ये नहीं कह रहे हैं, अपने भगवान आत्मा को देखे बिना सम्यक दर्शन नहीं है। ये साक्षात निमित्त, ये सम्यक दर्शन है। वो द्रव्य स्वभाव है, वो जो द्रव्य स्वभाव है वो दरअसल में सम्यक दर्शन स्वरूप है। वो सम्यक दर्शन स्वरूप है, जैसे कहा ना 17-18 में अनुभूति स्वरूप है भगवान आत्मा, ऐसे यहां पर कहते हैं कि ये भगवान आत्मा सम्यक दर्शन स्वरूप है। ये परिणति की बात नहीं, सम्यक दर्शन स्वरूप है भगवान आत्मा। यदि सम्यक दर्शन स्वरूप भगवान आत्मा ना हो तो उसके देखने पर सम्यक दर्शन आया कहां से? जैसे सर्वज्ञ स्वरूप है आत्मा, बराबर है ना, सर्वज्ञ स्वरूप है आत्मा, अगर आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप ना हो तो सर्वज्ञता आएगी कहां से? ये नियम से सम्यक दर्शन है। पहले ये वाली बात यहां से लेनी चाहिए, आचार्य महाराज की चीज है। अब उसको किस तरीके से उन्होंने कहा कि कैसे देखेगा तू? देखो इन संत भगवंतों का उपकार के तू इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक कैसे देखेगा, जिसके देखने का नाम सम्यक दर्शन है। तो उन्होंने विधि बताई, तो कहा कि सुन, यह आत्मा व्याप्तु अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है। देखो बात समझ में आया, क्या समझ में आया? यह दिखाना किसको है राजेंद्र भाई, किसको दिखाना है? आत्मा को, जिसके देखने का नाम सम्यक दर्शन है। तो वो कह रहे हैं सुन, मैं तेरे को बता रहा हूं, सुन कैसे देखना। पहले तो यह समझ ले कि यह आत्मा अपने गुण अपनी पर्यायों में व्याप्त है, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है। ये पहला बोल, यह आत्मा जिस आत्मा के देखने का नाम सम्यक दर्शन है, उसे देखने की विधि आचार्य देव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले तो ये बात को तू भली प्रकार समझ कि तेरा जो आत्मा है, यह आत्मा अपने गुण और अपनी पर्यायों में व्याप्त है। इसका मतलब यह आत्मा अन्य गुण अन्य पर्यायों में व्याप्त नहीं। देखो यह आत्मा अपने गुण पर्याय में व्याप्त है। इसका अर्थ अन्य द्रव्य वो जो उसके गुण हैं, उसकी जो पर्याय हैं, उसमें ये आत्मा व्याप्त। अब यहां से लगाते हैं बात को, यहां से लगाओ भैया बात,
ये शरीर आत्मा है। ये शरीर क्या है? आत्मा है? नहीं है आत्मा। क्यों नहीं है आत्मा? ये आत्मा क्यों नहीं है कि हम निर्णय करते हैं गुण पर्याय से कि इस शरीर में गुण कौन से हैं, इसमें रूप रस गंध वर्ण शब्द आदि, ये इसके अंदर रूप स्निग्ध आदि ये इसके गुण हैं, और इसकी ये व्यंजन पर्याय स्कंद पर्याय है। तो ये रूप रस गंध वर्ण आदि गुण, ये इन गुणों में पुद्गल व्याप्त है। देखो कहां से बात चलाई है, ये आत्मा व्याप्त है, द्रव्य की ओर से ले जा रहे हैं। ऐसे ही रूप रस गंध वर्ण आदि जो गुण हैं और उसकी जो काली नीली पीली आदि जो पर्याय हैं, जो गंध सुगंध आदि जो पर्याय हैं, उनमें कौन व्याप्त है? क्या कहते हैं पुद्गल व्याप्त है, ये आत्मा व्याप्त नहीं। इस शरीर पुद्गल स्कंद पर्याय में इस गोरी चमड़ी काली चमड़ी सामली चमड़ी इस कद काठी में ये आत्मा व्याप्त नहीं है, इसमें रूप रस गंध वर्ण ये गुण है, और इसकी जो पर्याय है हरी नीली काली पीली गंध सुगंध आदि, ये इसमें कौन व्याप्त है कि पुद्गल व्याप्त है? कि मैं व्याप्त हूं कि नहीं हूं? कि नहीं हूं तो निकल, निकल इसमें से निकल। ये भी एक बरगणा है ना, है? उसका बना हुआ खजाना है ना ये। अब अंदर चलते हैं, समय की मर्यादा है, अंदर चलते हैं। यहां पर इधर से निकले आप, मैं व्याप्त नहीं हूं, ऐसे करना भेद ज्ञान, ये कहते हैं आचार्य देव। इसमें पुद्गल व्याप्त है। देखो ये तो ऐसा हो गया कि जैसे ये शेर है, शेर, अब उस शेर को ऐसा हुआ कि मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं, मैं इसमें व्याप्त हूं। कि कैसे व्याप्त है भैया तू? अगर तू इसमें व्याप्त हो जाएगा तो इसका क्या होगा? ये तो ऑलरेडी इसमें बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये कायम में बैठा हुआ है अपने में, तो वो जो रूप रस गंध वर्ण आदि जो गुण हैं और उसके जो विशेष हैं, उसमें तो पुद्गल द्रव्य व्याप्त है। पॉइंट समझ में आया आपको? तो उसमें आत्मा ये समझता है कि मैं इसमें व्याप्त हूं, मैं इसमें व्याप्त हूं, और ये स्वयं गुण और पर्याय कह रही हैं कि तू मूर्खानंद है, मूर्खाई में क्यों आनंद मानता है? मैं ऑलरेडी इसमें अनादि से बैठा हुआ हूं, मैं अनादि से इसमें बैठा हुआ हूं, मेरे को तू खिसकाना चाहे तो तू तो क्या अनंत तीर्थंकर भी इस रूप रस गंध वर्ण आदि गुण पर्यायों में से पुद्गल को नहीं खिसका सकता, स्खलित नहीं कर सकता। ऐसे ही अब ज्ञानावरणादि ये जो कर्म प्रकृतियां हैं, 148 नाम जो हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़े हैं हमने, उन ज्ञानावरणादि इन कारमाण वर्गणाओं में भी, इन प्रकृतियों में भी कौन व्याप्त है? पुद्गल व्याप्त है, मैं व्याप्त नहीं हूं। ये सब निर्णय कौन करेगा भाई साहब? ये निर्णय कौन कर रहा है? ये निर्णय कौन कर रहा है कि मैं शरीर में व्याप्त नहीं हूं, मैं कर्म में व्याप्त नहीं हूं? ये ध्वनि किसमें से त्वरित हो रही है? ये विचारों की श्रृंखला किसमें से निकल रही है? ये कोई देह में से निकलती है क्या? कर्मों में से निकलती है क्या? अरे इसका निर्णय करने वाली एक समय की ज्ञान की पर्याय है भाई, और वो ज्ञान की पर्याय से तू तादात्म्य है, वो ज्ञान की पर्याय तेरे से तादात्म्य है, और उस ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा विराजा हुआ है। पर्याय रूप नहीं है, लेकिन भगवान आत्मा सामान्य द्रव्य उसमें मौजूद है, उसकी विद्यमानता है वहां।
वो ये निर्णय कर रहा है, क्योंकि उसके ज्ञान में, छायोपशमिक ज्ञान में इस प्रकार का भ्रम पैदा हो गया है, अज्ञान ऐसा बस गया है कि मैं करके बात करता है कि मैं शरीर में व्याप्त हूं, मैं कर्मों में व्याप्त हूं। पॉइंट समझ में आया? तो पहले तो ये निर्णय कर कि तू नो कर्म और द्रव्य कर्म में तू व्याप्त नहीं है। पहले अपने में आ जा, पहले अपने द्रव्य गुण पर्याय में आ जा। ऐसा कहा ना, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है। तो यहां पर्याय में नैमित्तिक पर्याय भी ली है, मलिन पर्याय भी ली है यहां पर। पहले यहां तो आ, यहां तक तो आया नहीं है, बात शुद्धात्मा की चल रही है और उपयोग में अभी भी इस असमान जाति द्रव्य पर्याय मनुष्य पर्याय में एकत्व लिए बैठा रहता है, उसको छीण नहीं करता, छीण करने का पुरुषार्थ नहीं करता, अंदर में भेद विज्ञान करने की पूरी ताकत नहीं लगाता। अब जब यहां पर आएगा तब यहां आकर के जब अपने गुण पर्यायों में आत्मा व्याप्त है, जब इतना आया तब आचार्य देव ने कहा यह वाली बात के ये शुद्ध नहते एकत्वे नियतस्य, शुद्ध ने इस आत्मा को एकत्व में निश्चित किया है। अपने गुण पर्यायों में आने के बाद पर्यायों में तो इसको निश्चित नहीं किया, लेकिन जो गुण हैं वे गुण इस भगवान आत्मा के पेटे में है, पेटे में है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वे गुण भगवान आत्मा से भेद रूप नहीं है। गुणों के परस्पर भाव में भेद है, लेकिन भगवान आत्मा से गुणों का भेद नहीं है, क्योंकि सर्व गुणों ने आत्मद्रव्य का आश्रय लिया हुआ है। अनंत गुणात्मक वस्तु है, अनंत गुणात्मक वस्तु है। मैंने कहा जब मैं बस्त्रापुर गया था तो मैंने ये वाली बात कही थी, वहां सब धनी लोग हैं ना, बड़े बड़े धनी लोग हैं। मैंने कहा भाई साहब सोना अपने पास रखना, राजू भाई को पता है, सोना अपने पास रखना, पीलापन मेरे को दे देना, सोना अपने पास रखना, उसका पीलापना मेरे को दे देना, उसका चिकनापना मेरे को दे देना, उसका भारीपना मेरे को देना। तो बोले पंडित जी ऐसे पागल आगरे में मिलते हैं, हमारे यहां नहीं। कि क्यों, इसमें पागलपन क्या हो गया कि क्या ऐसा किया जा सकता है, कि क्या उस सोने में से पीलापन निकाला जा सकता है, क्या सोने में से उसका जो चिकनापन है वो खींचा जा सकता है। जब इसमें से नहीं खींचा जा सकता तो क्या आत्मा में से उसके ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर आदि जो गुण है वो उसमें से खींचा जा सकता है क्या। क्या सोना कहिए किसको कि जो अनंत गुणों को अपने में पिए बैठे। एक बहुत जोरदार परिभाषा दी टोडरमल जी साहब ने, सब भेद जिसमें गर्वित हैं उसका नाम पारणामिक भाव, सर्व भेद जिसमें गर्वित है। ऐसे ही सर्व गुण जिसमें गर्वित हैं, माने ऐसा जो अभेद आत्मा है वो पारणामिक भाव रूप है। शुद्ध ने इस आत्मा को एकत्व में, माने एकपने में निश्चित किया है, क्योंकि अभी तो तुम कहते थे ये आत्मा गुण पर्याय में व्याप्त है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला, आत्मा व्याप्त है गुण पर्यायों में, ख्याल में आया। अब पर्यायों को देखो तो क्या पर्यायों में, जब शुद्धने की ओर से बात चली, पहले प्रमाण ज्ञान की ओर से बात चली कि अपने गुण पर्याय में व्याप्त है, अब शुद्धने से बात चलती है तो क्या पर्याय में व्याप्त है, अब बदल गए सुर बदल गए। जब शुद्धने की ओर से चले तो सुर बदल गए, जब घर में चले तो बोले कि ये घर मेरा है, और जब घर में घुसा तो डायरेक्ट अपने कमरे में गया। मैंने कि बाकी का ड्राइंग रूम आदि का क्या हुआ, दूसरा वो बड़े भाई साहब का है, वो छोटे भैया का है, वो मम्मी पापा का है, कि तुम तो कहते थे ये मेरा घर है,
कि जब पर घर से भेद ज्ञान कराना था तो मेरा घर है, और जब अपने घर में घुसा तो ये मेरा कमरा है, और शेष के शेष मेरे नहीं है। पॉइंट समझ में आया आपको? ऐसे ही यहां समझना, पर्यायों से तो बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि पर्याय का स्वरूप उत्पाद वह है और भगवान आत्मा का स्वरूप ध्रुव है, उससे तो बिल्कुल मेल खाता नहीं, लेकिन गुण भी ध्रुव है और भगवान आत्मा भी ध्रुव है, तो दो ध्रुव हो गए। कि सुन, ये अनंत जो गुण ध्रुव रूप हैं, उनका वो एक अखंड वस्तु है, दरअसल में वो चीज है। तो शुद्ध ने एकत्व में निश्चित किया है, तो कैसा निश्चित किया शुद्ध ने? तो आचार्य देव ने एक शब्द लिया यहां पर, पूर्ण ज्ञान घनस्य, असाधारण लक्षण है ना, इसलिए वहां से कहा कि पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान घन है, तो इसमें से निकल गया। केवल ज्ञान आदि, मति श्रुत आदि, ये सब पर्याय तो निकल गई, लेकिन पूर्ण ज्ञान घनस्य, घन 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 है, तो ज्ञान घन है, श्रद्धा घन है, चारित्र घन है, वीर घन है, प्रभुता घन है, विभुता घन है, अनंत गुणों का धनी है भगवान आत्मा, ऐसा है, ऐसा पूर्ण ज्ञान घन भगवान आत्मा, इसको देखना, उसका नाम दर्शन में सम्यक दर्शन है। और जितना ये सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है, जितना आत्मा है उतना ही सम्यक दर्शन है। माने सम्यक दर्शन ने टोटल का टोटल जो ध्रुव भगवान आत्मा है उसको अपनी दृष्टि में ले लिया, कुछ भी बचे ही नहीं, पूरा का पूरा, दृष्टि पूरी ज्ञायक परमात्मा में पसर गई। यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं, उसके स्वर में यही बात हो गई। है तो वह स्वयं पर्याय, लेकिन कहती है कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं तो ध्रुव हूं, ये ज्ञायक तत्व हूं। ऐसा उस ज्ञायक तत्व की हमको प्रत्यक्ष अनुभूति श्रद्धा होवे, ऐसा मांगलिक अवसर हमारे जीवन में निमित्त बने। इस